सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान भाइयों, धान, गेहूं या जो भी फसल हो उसके हार्वेस्टिंग करना आज के समय में लेबर की दिक्कत की वजह से बहुत ही कठिन काम है। उसके लिए हमारे पंजाब के किसान भाइयों और इंजीनियर्स ने मिल करके एक ऐसा यंत्र ईजाद कर दिया है कि जिसकी सहायता से आप बड़े से बड़े फार्म की बहुत ही थोड़े समय में कटाई मड़ाई सब एक साथ करके अपनी फसल सुरक्षित अपने घरों में ला सकते हैं। तो ये आपके सामने खड़ा है बलकार कंपनी का B546 नेक्स्ट जनरेशन का हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, जो कि आप देखेंगे ये बरनाला पंजाब में बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बरनाला पंजाब, और इसके बैक में आप देखेंगे तो बलकार B546 की बैजिंग है और लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर। जिस भाई को चाहिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी समय आप इनके फैक्ट्री पर जाके संपर्क करके ले सकते हैं या ऑनलाइन कांटेक्ट करके ले सकते हैं। यह बहुत ही शानदार कंबाइन हार्वेस्टर है, एरिया में काफ़ी दिनों से चल रहा है। बात करेंगे इसके रियर टायर की, तो इसमें दो ऑप्शन के साथ आता है। यह फोर व्हील ड्राइव के साथ आता है, पर किसान चाहे तो अपनी ज़रूरत के अनुसार अगर गीला खेत है तो फोर व्हील में चलाए, और सूखे खेत में चलाना है तो फोर व्हील के ऑप्शन को निकाल करके टू व्हील का लगा सकते हैं। इस मशीन में देखिए फोर व्हील निकाल करके टू व्हील लगाए हैं, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए फोर व्हील के लिए शाफ्ट लगा हुआ है, जब भी चाहें तो इसको निकाल करके फोर व्हील का लगा सकते हैं। इस मशीन के साथ में ही फोर व्हील का भी मिलता है। ये पीछे का जो रियर एक्सल है इसको पूरा निकाल करके ज़रूरत के अनुसार फोर व्हील और डबल व्हील में चला सकते हैं। और इसमें जो पीछे टायर लगा है 1916 साइज़ का टायर लगा हुआ है। बात करेंगे इसके फ्रंट टायर की, तो फ्रंट में हैवी ड्यूटी का C8 कंपनी का आयुष्मान का 18430 का टायर लगा हुआ है। ये दाहिने तरफ देखेंगे तो फसल जब थ्रेसरिंग के बाद टैंक फुल हो जाता है तो उसको गिराने के लिए लीवर लगा हुआ है, और यहाँ से एक सीढ़ी लगी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए। ये बलकार का बहुत ही शानदार हार्वेस्टर है, किसान भाई जो भी लेना चाहें। और इधर सामने से इसका ऑपरेशनल एरिया है, फ्रंट से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। किसान भाइयों, अब हम आपको इसके ऊपर चढ़ करके इंजन और अन्य ऑपरेशनल एरिया की जानकारी देंगे। और अगर बात करें बलकार में लगे हुए इंजन की, तो किसान भाइयों इसमें बहुत ही स्ट्रांग इंजन, जो कि अशोक लेलैंड का लाल कलर का इंजन है, H सीरीज का इंजन है, जो कि 6 सिलेंडर में आता है। बहुत स्ट्रांग पावरफुल 101 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, जिससे कि ये हार्वेस्टिंग और थ्रेसरिंग के दोनों काम बड़ी आसानी से निपटाता है। और बहुत ही ट्रस्टेड इंजन है हार्वेस्टर के लिए। मैक्सिमम जो भी स्टैंडर्ड कंपनी के हार्वेस्टर आते हैं, ज़्यादातर उनमें यही लेलैंड का इंजन लग के आता है। ये इंजन 101 हॉर्स पावर का इंजन है। इसमें देखेंगे अब बड़ा सा रेडिएटर लगा हुआ है, और रेडिएटर पर कचरा न जाए उसके लिए इधर जाली लगी हुई है। ये टर्बोचार्ज स्ट्रांग इंजन के साथ आता है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस इंजन की। इसमें ऊपर की तरफ देखेंगे तो साइलेंसर लगा हुआ है, आवाज़ बहुत ही हल्की आवाज़ होती है। और बात करें इसके एयर क्लीनर की, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ड्राई एयर क्लीनर है, जो काफ़ी बड़े साइज़ का है, जो इंजन को काफ़ी अच्छी हवा देता है। और इधर देखेंगे आप तो टर्बो सिस्टम लगा हुआ है, टर्बोचार्ज इंजन होने के कारण इंजन की पावर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यह अपनी 101 हॉर्स पावर की पावर से इस कंबाइन की कार्यों के लिए पावर देता है कंबाइन को। आगे की तरफ जाओ, जो ऑपरेटेड एरिया है उसके ऊपर फाइबर की शानदार कैनोपी लगी हुई है, जिससे ऑपरेटर को धूल मिट्टी धूप और पानी से बचत होती है। और इधर देखेंगे तो इसका बड़ा सा टैंक है, जब भी कंबाइन किसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करता है तो उसका अनाज जो है इसी में कलेक्ट होता है। और इसमें लगभग 20 क्विंटल की कैपेसिटी है, 20 क्विंटल के आसपास अनाज कलेक्ट हो जाता है। आप देखेंगे तो सरसों भी इसमें पड़ी हुई है, और ये साइड में जो बड़ा सा पाइप नुमा आकार का लगा हुआ है इसको सीधा घुमा देते हैं, और इसी के सहायता से ट्राली में अनाज को गिराते हैं। यहाँ देखे आप ऑपरेटर के लिए शानदार डीलक्स सीट लगी हुई है,
छोटा सा स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि इस कंबाइन में जो है पावर स्टीयरिंग के साथ आता है, और छोटे से स्टीयरिंग व्हील में लट्टू भी लगा हुआ है ताकि ऑपरेट करने में आसानी हो। ये लेफ्ट साइड में जो पैडल है ये क्लच पैडल है, ये क्लच पैडल है। राइट साइड में ब्रेक है और एक्सीलरेटर है। इधर कंट्रोल लीवर है, ये हाई लो का चेंजर है, और ये दूसरा लीवर जो है वो कटर को ऊपर और नीचे करने के लिए है। एक कंट्रोल लीवर, ये लास्ट में जो लीवर लगा हुआ है आप देखेंगे ये इसके एक्सीलरेटर के लिए है, जितने चाहिए उतने पर ऐसे कर देते हैं। और इधर देखेंगे कुछ कंट्रोल वॉच लगी हुई है, जैसे ये आरपीएम के लिए है, और इधर आवर मीटर के लिए है, बैटरी का है, टेम्परेचर का है, और इधर स्विच लगे हैं जो लाइट कंट्रोल्स के स्विच हैं सभी। इधर देखेंगे बैक व्यू के लिए मिरर लगा हुआ है, ऊपर म्यूजिक सिस्टम है, दोनों किनारों पर जो है म्यूजिक बॉक्स लगे हुए हैं, यहाँ पर पेपर इत्यादि रखने के लिए स्पेस बना हुआ है जो कि लॉक के साथ है। और यहीं आगे देखेंगे आप कटर लगी हुई है, जिससे कि कटिंग होने के बाद ये जो राउंड शेप का बड़ा सा लगा हुआ है ये फसल को लपेट करके इसके फीडर में ले जाने का काम करता है। और इसके कटर की साइज़ जो है वो 13 फीट की विड्थ के साथ है, जिससे कि काफ़ी लंबा एरिया कवर करता है एक बार में चलते समय। और इधर कटर का सारा ऑपरेशनल सिस्टम है, ये शाफ्ट चलता है, शाफ्ट बेल्ट से चलता है, सारा एरिया जो है बेल्ट और चेन ऑपरेटेड है। यहाँ पर देखेंगे तो हैवी ड्यूटी की चेन लगी हुई है जिसके माध्यम से ये ऑपरेट होता है। ये नीचे की तरफ देखेंगे कटर ब्लेड्स लगी हुई हैं जिनसे कटता है, और ये जो बड़ा सा रोल लगा हुआ है ये फसल को लपेट करके अंदर ले जाता है, और ये जो राउंड शेप का बड़ा सा रोल लगा है ये फसल को राउंड शेप से ला करके यहाँ फीडर के अंदर ले जाता है। फीडर के अंदर जाने के बाद ही थ्रेसरिंग का काम शुरू होता है। मशीन का ऑपरेशनल एरिया देखेंगे तो बहुत सारी पुलियाँ और बेल्ट लगे हुए हैं जिनके माध्यम से इंजन की एनर्जी जो है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे यंत्र तक पहुँचती है। ये बहुत ही खूबसूरत हार्वेस्टर बनाया है मलकार वालों ने। और जब हार्वेस्टिंग का काम हो जाता है तो पीछे से मलबा जो है, यहाँ से आप देखेंगे यहीं से मलबा आता है, ये जो लगे हैं बड़े बड़े पाइप नुमा इन्हीं में थ्रेसरिंग का कार्य होता है, उसके बाद मलबा यहाँ पीछे से नीचे गिरा देते हैं। तो साथियों, आप वीडियो देखने के बाद अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और इस मशीन की कीमत जो है पिछले दो साल पहले 24 से 25 लाख के आसपास थी। जिन किसान भाइयों को भी चाहिए वो दिए गए नंबर पर संपर्क करके या बलकार कंपनी बरनाला पंजाब जाकर के संपर्क करके ले सकते हैं। किसान भाइयों को बहुत ही सहूलियत पर मिलती है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कोई अन्य जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।